हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुष्मिता और आज का रेसिपी है सोयाबीन के साथ। और ये सोयाबीन का एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। ऐसे तो हम लोग इसका ग्रेवी में खाते हैं और दूसरा रेसिपी बनाते हैं, लेकिन एकदम डिफरेंट रेसिपी है और इसे हम अंडा के साथ बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में वाइट ऑयल गरम किया है और यहाँ पे आपको वाइट ऑयल ही लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है प्याज, और यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज का प्याज लिया है और इसे हमें चॉप कर लेना है इस तरह से। तो इसे डाल देंगे हम तेल के अंदर और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, एकदम लाल करके नहीं भूनेंगे। प्याज को कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 4 लहसुन को चॉप करके, साथ में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च चॉप करके। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, ये थोड़ा सा कच्चा है लेकिन आप चाहे तो पक्का वाला भी टमाटो ले सकते हैं। टमाटो को भी हम इसके अंदर चॉप करके डालेंगे। अब सारा चीज़ जल्दी पक जाए इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और टमाटो को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये गल ना जाए तब तक। मिर्ची मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि बाद में हम रेड चिली पाउडर भी यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से आप मिर्ची इस टाइम डालिएगा। अब मैं इसके अंदर सोयाबीन डाल रही हूँ और ये छोटे दाना वाला सोयाबीन है और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है। और सोयाबीन को हमें पहले से बॉयल कर लेना है गर्म पानी में डाल के। सोयाबीन डालने के बाद एक बार मसाला के साथ हम सोयाबीन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सोयाबीन को हम एक बार मिला लेंगे मसाला के साथ और इसे कुछ देर तक हम फ्राई करेंगे ताकि सोयाबीन के अंदर जो कच्चापन रहता है वो चला जाए। कुछ देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं सोयाबीन इस तरह से हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल के। हल्दी पाउडर हम एक बार मिला देंगे और अब हमें इसके अंदर डाल देना है रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो। डालने के बाद सारे मसाला के साथ एक बार मिक्स करेंगे। अब हमें इसके अंदर डाल देना है अंडा, और यहाँ पे मैंने 3 अंडा का यूज़ किया है। 2 पैकेट सोयाबीन के अंदर मैं 3 अंडा डाल रही हूँ। अब हम अंडा के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस टाइम हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और लगातार चलाते जाना है। चलाते हुए हम अंडा को अच्छी तरह से सोयाबीन के साथ मिला लेंगे ताकि अंडा भी फ्राई हो जाए, और फ्राई हो जाने के बाद एकदम ड्राई हो जाएगा। और मैं अब फिर से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है इस तरह से। अब इसके अंदर हमें डाल देना है सॉस, और यहाँ पे टमेटो केचप है, मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। और साथ में हम इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करेंगे, एक बार हम मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है सोया सॉस, 1 छोटे चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद भी मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। और इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगा है सॉस डालने के बाद, और इसका टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा सॉस के साथ। तो आप इसमें सॉस जरूर डालें, और या फिर आप इसे खाली सॉस के बिना भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई सॉस ना हो, लेकिन सॉस डालिएगा तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। ऊपर से मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और ये एकदम सर्व होने के लिए अब रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। सोयाबीन का एक ही जैसा रेसिपी खाते खाते आप ज़रूर बोर हो जाते होंगे, तो इसे ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा और नीचे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।